स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द 5.2। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक हो गया था। अब 6, 7, 8 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन सॉल्व करते, देखो कैसे सॉल्व करना है। सी हियर हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहला x का क्यूब a का क्यूब आएगा प्लस 3a² b मिलती 3 x² 1/x प्लस 3ab² 3 ए ऐसे रहेगा, बी स्क्वायर रहेगा 1/x² प्लस 1/x³। हाँ, दिस विल बी द आंसर। अभी इसको और डीपली सॉल्व करो। एक्स का क्यूब पे एक्स का क्यूब ही रहेगा प्लस ये ऊपर नीचे का एक्स और ऊपर का एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बच्चे का क्या 3x प्लस इधर ऊपर का एक एक्स नीचे का 2x है तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बच्चे का क्या 1/x मीन्स 3 × 1 = 3, 3/x बचेगा 3/x प्लस 1/x³। समझा कैसे क्या ऑप्शन है? एक्स का क्यूब ऐसे रहेगा, इधर का एक्स कैंसिल हो गया तो बचा गया 3x और यहाँ पे 3 × 1 = 3 और ऊपर का एक्स और नीचे का एक एक्स कैंसिल हो गया तो बचा नीचे एक ही एक्स बचेगा तो बचेगा 3/x 1/x³। दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर सिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व करने जा रहा हूँ। 7 क्वेश्चन है 2m + 1/5³। सॉल्व करके देखो, 2m मतलब a का क्यूब आएगा पहले प्लस 3 × a² × b 2m² × 1/5 प्लस 3ab² 3 × 2m × 1/5² करेक्ट प्लस 1/5³। इसको अगर डिग्री सॉल्व करेंगे तो 2 का कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 8m³ करेक्ट। फिर प्लस इधर कितना आ जाएगा, पहले से सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 4m² हो जाएगा × 1/5 रहेगा प्लस 3 × 2m × 1/5 का कितना आ जाएगा 1/25 प्लस 1/5 का कितना आ जाएगा 125 5 × 5 = 125 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 8m³ ऐसे रहेगा प्लस 3 × 4 = 12 12m² / 5 प्लस 3 × 2 = 6 m/25 प्लस 1/125। समझ में आ गया कैसे गया? पहले a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, तो 2m² का 8m³ 2m² का 4m² × 1/5 ऐसे रहेगा 3 × 2m × 1/25 एंड 1/125। 8m³ ऐसे रहेगा 3 × 4 = 12 12m² / 5 3 × 2 = 6 6m² / 25 into प्लस 1/125। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x / y प्लस y / 5x³। ठीक है, 5x / y प्लस y / 5x³। अभी 5x / y मतलब a का क्यूब आएगा पहले प्लस 3a² × b × b प्लस 3ab² 3 × 5x / y ऐसे रहेगा, b² हो जाएगा, y / 5x² हो जाएगा प्लस y / 5x³। इज दिस क्लियर? a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5x का कितना हो जाएगा 125x³ डिवाइड बाई y का क्यूब, क्योंकि दोनों का क्यूब होगा ना, प्लस 3 ऐसे रहेगा, पाई का 25x² डिवाइड बाई y² इंटू y/5x रहेगा। इसको अब इसके बाद इधर का सॉल्व करेंगे, 3 × 5x / y ऐसे रहेगा y² / 25x² प्लस y/125। y का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और वो डिग्री सॉल्व करो, 125x³ ऐसे रहेगा, वाई का क्यूब ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे सॉल्व होगा कैसे, देखो ये वाई कैंसिल,
इधर का 5x, इधर ये x कैंसिल हो जाएगा, 5 5 का क्या आ जाएगा 25, तो बचेगा क्या 3 इंटू 5x अपॉन y। कैसे किया है देखो, इधर का एक y, इधर के दो y में से एक y कैंसिल हो गया, इधर एक x था वहाँ पे दो x था, तो एक x कैंसिल हो गया और 5 5 का 25, तो बचा कितना 3 इंटू 5 15x अपॉन y। आंसर कितना आएगा 15x अपॉन y। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे अगर देखेंगे तो इधर का एक y ऊपर का एक y कैंसिल, इधर का एक y नीचे का एक y कैंसिल, और 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, तो बचेगा क्या 3y अपॉन 5, क्या आएगा 3y अपॉन 5x प्लस y का क्यूब अपॉन 125। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कैसे सॉल्व किया, पहले फॉर्मूला में लिख दिया a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, 5x अपॉन y का कितना हो जाएगा 125x का क्यूब अपॉन y का क्यूब, ठीक है 3 इंटू ऐसे लिखा 5 5 ज़ा 25x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इंटू y अपॉन 5x ऐसे रहेगा, प्लस 3 इंटू 5x अपॉन y ऐसे रहेगा इंटू y स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर बराबर, प्लस y का क्यूब अपॉन 125। यहाँ पे 125x का क्यूब लिया गया क्योंकि x भी साथ में ना, 125x का क्यूब, ठीक है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 125x का क्यूब। ओके देन इसको ऐसे लिखा, इसको भी अभी क्या हुआ देखो, ये 5x में से ये x, ये एक x है तो यहाँ पे भी एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा 5 5 से 25, 5x बचा, ये 2y था इधर एक y था, एक y में से दो y में से एक y कैंसिल हो गया तो एक y बचा, तो 3 5 ज़ा 15x डिवाइड बाई y, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें क्या हो गया देखो, एक x इधर था, दो x इधर था, एक x कैंसिल हो गया, एक x बचा 5 5 ज़ा 25, तो 5x बच गया इधर, इधर दो y था, इधर एक y था, एक y में दो y में से एक y कैंसिल हो गया, बचा गया एक y, तो 3y अपॉन 5x प्लस y का क्यूब अपॉन 125x का क्यूब, दिस विल बी द आंसर ऑफ last question of the exercise 5.2. now you have to solve, you have to solve question numbers, question number 6 7 8, along with that you have to solve, this is extra question, question number 1 2 3 4, okay then textbook ka question number 5.2 ka 6 7 8, aur along with that ye char question solve karne, aapko 6 7 8 ke screenshot chahiye, dekh lijiye 6 question ye hai, 7 क्वेश्चन ये राइट, एंड दिस इज द 8 नंबर क्वेश्चन, इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।